हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रैवल हिमाचल। तो आज मैं हूँ हमीरपुर में अपने घर पे, और यहाँ से हम जा रहे हैं, यहाँ बहुत ही फेमस एक प्राचीन कालका माता का मंदिर है, वहीं हम जा रहे हैं। यहाँ से लगभग घर से ये 10-12 किलोमीटर की दूरी पर होगा। तो आज कालका माता के हम दर्शन करेंगे, और साथ में मैं आपको कंप्लीट इसकी स्टोरी भी बताऊंगी कि कितना पुराना ये मंदिर है, और बहुत सारी यादें बचपन की इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई हैं। और मान्यता है यहाँ पर जो फसल बीजी जाती है उसको सबसे पहले ये जो कालका माता का मंदिर है यहीं पर चढ़ाया जाता है, और इसके साथ एक गलोड़ में गुगा मंदिर है बहुत फेमस, वहाँ पर चढ़ाया जाता है। तो उसकी वीडियो भी मैं बहुत जल्दी ही बनाने वाली हूँ, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो करते हैं आज का हमारा सफ़र, करते हैं माता रानी के दर्शन, चलिए। तो इस मंदिर तक जाने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे सलौनी, और सलौनी से जो ऊना और हमीरपुर का NH है उसी पर हमने जाना है। वहाँ एक स्टेशन आता है जोल, और वहाँ से हमने ले लेना है राइट टर्न। अगर आप हमीरपुर से आ रहे हैं, अगर आप ऊना से आ रहे हैं, तो आपको लेफ़्ट टर्न लेना है। वहाँ पर आपको मंदिर का जो है बहुत बड़ा एक बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा, ये स्टेशन है। यहाँ पर आपको सामने एक बोर्ड लगा हुआ दिखेगा मंदिर का, लगभग 200 मीटर की दूरी पर यहाँ से ये मंदिर है, और लगभग ये 200 साल पुराना मंदिर है। ऐसा मंदिर पे ही बोर्ड लगाया गया, और स्टोरी भी वहाँ पर इस मंदिर की लिखी हुई है कंप्लीट, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये मेरी तरफ से बनाई हुई स्टोरी नहीं है, और अगर आप चाहें तो मैं इंस्टा पर इस मंदिर की पूरी स्टोरी जो है वो शेयर कर दूँगी, मैंने पिक ली थी। तो ये वो मंदिर है, और बहुत प्राचीन मंदिर है। तो इसकी स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या हुआ था। ये जो गाँव है इसका जो नाम है ये है टिक्कर राजपूता। तो यहाँ के जो पूर्वज हुआ करते थे अपने खेतों में घास लेने गए थे, तो घास की जब उन्होंने गठरी बांधी थी और गठरी उठाने लगे घर चलने के लिए, तो वो गांठ उनसे नहीं उठाई जा रही थी। ये आप मंदिर का परिसर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ सामने आप शूज़ रिमूव करके अपने हाथ पैर यहाँ पर धो के मंदिर में जा सकते हैं। तो मैं आपको स्टोरी बता रही थी कि वो गांठ नहीं उनसे उठाई जा रही थी, तो उन्होंने सोचा कि घास ज़्यादा है, तो उन्होंने थोड़ा घास कम कर दिया, फिर भी उनसे वो घास नहीं उठाया गया। फिर उन्होंने थोड़ा और कम किया, तब भी नहीं उठाया गया। फिर थोड़ा सा उनको सोच में वो पड़ गए कि इतना कम घास होने के बाद भी ये नहीं उठाया जा रहा है। फिर जब उन्होंने घास को थोड़ा सा साइड में खींच के किया और नीचे देखा, तो माता रानी की मूर्ति उनको दिखाई दी। और उसके बाद उन्होंने आसपास के लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे माता रानी की मूर्ति यहाँ पर निकली है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे भी हुए, और उसके बाद सबने मिलकर कोशिश की कि मूर्ति को उठाया जाए, लेकिन सारे जो प्रयास थे वो विफल रहे, उनसे मूर्ति को नहीं उठाया गया। उसके बाद पालकी जो है उसका इंतजाम किया गया, लेकिन ऐसा कहते हैं कि 6 पालकियाँ लगभग टूटी थी। उसके बाद जो 7वीं पालकी तैयार की गई थी उसमें माता रानी को उठाया गया था, और उठा के जब पालकी लेके लोग आ रहे थे, तो यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए लोग रुके थे जहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है, लेकिन उसके बाद उनसे ये पालकी नहीं उठाई गई इस जगह से। उसके बाद अंधेरा हो गया, तो सभी लोग अपने अपने घर चले गए। और ऐसा कहा जाता है कि जिसके खेत में ये माता रानी की मूर्ति निकली थी उनको ये स्वप्न आया था कि जहाँ पर रेस्ट करने के लिए मेरी पालकी को रखा गया था उसी जगह पर मेरा मंदिर जो है ये बनाया जाए। तो उसके बाद इसी जगह पर ये मंदिर बनाया गया, और माता रानी की मूर्ति की स्थापना जो है इसी जगह पर कर दी गई। और माता रानी के मंदिर के एकदम सामने हनुमान जी का मंदिर भी यहाँ पर बनाया गया है, जिसे आप अभी देख पा रहे हैं। और जब ये मंदिर यहाँ पर कालका माता जी का बनाया गया था, उस टाइम कहते हैं मूर्ति की जो स्थापना है ये पूर्व दिशा की तरफ की गई थी, लेकिन जब ये मंदिर बनाया गया तो उसका जो पूर्व दिशा की तरफ दरवाज़ा रखा गया था वो गिर गया था, और उसके बाद जो दरवाज़ा है ये उत्तर की तरफ रखा गया वो भी गिर गया, दक्षिण दिशा की तरफ रखा गया था वो भी गिर गया था। तब लास्ट में जो दरवाज़ा है ये पश्चिम दिशा की तरफ बनाया गया था, और माता रानी ने पश्चिम दिशा की तरफ ही स्थान ग्रहण किया हुआ है। तो ये जो मंदिर है इसका दरवाज़ा आप देख सकते हैं, छोटा सा आपको दरवाज़ा दिखेगा, काफ़ी पुराना ये मंदिर है। और जब हम बचपन में यहाँ आया करते थे तो यहाँ मतलब बैठ के अंदर जाना पड़ता था, लेकिन अब तो ये बंद कर दिया गया है, अंदर एंट्री नहीं होती है यहाँ पर। लेकिन हम जब बचपन में आया करते थे तो यहाँ अंदर एंट्री हुआ करती थी, तो बैठ के ही लोग इस मंदिर में जाते थे। छोटा सा ये मंदिर हुआ करता था, जो अब काफ़ी बड़ा बन चुका है। तो आप ये आपने माता रानी के दर्शन किए हैं, तो माता रानी वैसे तो माता को पता है कि उनके जो भक्त हैं उनको क्या चाहिए, तो आप सभी की मनोकामना जो है माता रानी पूर्ण करें। तो ये मंदिर परिसर है, और इसके पीछे का व्यू बहुत अच्छा है, जो मंदिर के साइड में आप देखेंगे, अभी हम पीछे की तरफ जाएंगे यहाँ से,
तो ये मंदिर का परिसर है सारा, और यहाँ पीछे आप देखेंगे कि काफ़ी खुला यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया प्लेस। और यहाँ पर जो है जो ज्येष्ठ मंथ होता है, मई और जून महीना जो होता है, इसमें जो है यहाँ पर मेला भी लगता है बहुत बड़ा, तो काफ़ी लोग यहाँ पर इस मेले में जाते हैं। और यहाँ से जो व्यू है काफ़ी अच्छा है, यहाँ दूर दूर गांव दिखते हैं यहाँ पर, ये जो नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं। और ये जो मंदिर है कालका माता का, तो यहाँ आसपास के जितने भी गांव हैं उनकी कुल देवी ये हैं, और साथ में जो भी पहली फसल यहाँ पर उगाई जाती है आसपास के लोग, यहाँ तक कि हम इतने मतलब 10 किलोमीटर का गैप होगा हमारे घर का और इस मंदिर का, तो पहली जो फसल बीजी जाती है उसका जो पहला चढ़ावा है यहीं माता रानी के मंदिर में चढ़ाया जाता है, कंजकों का पूजन यहाँ पर किया जाता है। और वैसे भी इस मंदिर के साथ बहुत सारी यादें मेरी जुड़ी हुई हैं, अभी की भी, बचपन की भी, तो दिल से लगाव है इस प्लेस के साथ मेरा। और यहाँ पर बेंच लगे हुए हैं, कभी आप यहाँ इस मंदिर में आओ तो यहाँ ज़रूर आप बैठो, आधा घंटा एक घंटा बैठोगे तो काफ़ी पीसफुल आपको यहाँ का एटमोसफियर लगेगा, क्योंकि NH से काफ़ी अंदर आके ये मंदिर है और यहाँ पर ज़्यादा रश या भीड़ भाड़ नहीं होती है। मंदिर में तो काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं लेकिन खुला एक परिसर है, और यहाँ पर आप कभी आओ और यहाँ फील करोगे आप बैठ के कि कितना शांत यहाँ का माहौल है। तो आपने आई होप कि इंजॉय किया होगा पूरा का पूरा ये वीडियो। तो ये था माता कालिका जी का आज का हमारा सफ़र, कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे किसी अच्छे से प्लेस के साथ, तब तक व्यस्त रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए अपनों के साथ। थैंक यू।